धानसरा की नुआई तहसील बालाकोट के हलाके मांडरी मनूर कोटके के मुकाम पर लाखों रुपए मालियत की आतशजदगी। रात 12 बजे नामालूम अफराद ने मुफ्ती अब्दुल कयूम और अब्दुल खालिक के रिहायशी मकान को आग लगा दी। दो मंजिला रिहायशी मकान में 50 लाख रुपए मालियत जमा पूंजी, जिसमें तलाई जेवरात और दीगर सामान खाकस्तर हो गया, जबकि 50 और 60 लाख के दरमियान मालियत का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। मुतासर खानदान ने DMM न्यूज को बताया की हाल ही में एक खानदान की शादी हुई थी। रात 12 बजे कैसे आग लाई है और 2 बजे असों को इतला मिली है, 2 बजे पहुंचे अगर कोई पानी है निजाम नहीं है, असों को पैप वगैरह 15 लाख का सामान मरा सा और 15 लाख का सामान आसा, दो मरे चाचा दाद ब्राउदा 3 लाख का खाली सामान आसा, 60 लाख का सिर्फ कोठा सा, बाकी असों कोई सहूलत पानी ही नहीं जिस पर कंट्रोल कर दे। कोटके मंदिर से लाइव इस वक्त ये अब्दुल खालिक उस्ताद और अब्दुल कयूम मौलाना अब्दुल कयूम साहब का घर जो है ना जलकर राख हो चुका है। बचे थे इधर एक मंजिल जलकर राख हो चुकी थी, 2 बची हुई थी, लेकिन यहाँ पे पानी न होने की वजह से आग पर कंट्रोल नहीं हो सका। हमारे सियासी का मुंह बोलता ना एली का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने पानी यहाँ पे अभी तक नहीं दिया हुआ। मेरा नाम साजिद हुसैन है, मेरा मकान है जो रात को कोई पता नहीं सिस्टम जल गया था, तो टाइम मालूम नहीं, हम आए तो ये जला हुआ था, तो नई नई शादी हुई थी, इसके अंदर जेवरात वगैरह भी थे। यहाँ से वोट लेते हैं सियासी लोग, वोट लेकर जो है ना भाग जाते हैं, कोई सहूलत नहीं दी हुई, मुयसर नहीं है, इसकी वजह से हम उस आग को बुझा सकें जो है मकान जल कर खाक हो गया है। हम गढ़ों में अपनी मदद आपके जरिए इलाका मकीन लोगों ने लाया है यहाँ पे पानी और ये आग को कोशिश की है, लेकिन ये बल्कि बेकाबू हो चुकी थी। जहेज का सारा सामान समेत जमा पूंजी सदियों की आग की नजर होगी। आग बुझाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम, जिसकी वजह इलाका मकीनों को पीने का पानी नहीं मिलता तो आग कहां से बुझाएं। कासम शाह दौर की जारी स्कीम से लोग मुश्किल इस्तेफादा करते हैं। रात को लगने वाली आग सुबह तक जारी रही। वाकये की इतला पर SHO कागान की सरबराई में नफरी मौके पर पहुँच गयी। इलाका मकीनों ने MNA और MPA समेत बलदियाती नुमाइंदों पर शिकवे शिकायतें करने की बुचाड़ कर दी और बोले कि अगर घर घर पानी की तरसील होती तो इस तरह की आतिशजदगी पर काबू पाया जा सकता था। आज भी खवातीन मीलों दूर सरों पर गड़े पानी के उठाकर लाने पर मजबूर हैं। जरूरत इस बात की है कि MNA साले खान और MPA सैयद अहमद हुसैन शाह सोशल मीडिया पर तरक्की का बादशाह के दावे तो करते हैं, ताहम आज इस वाक्य ने उनके झूठे दर झूठे दाऊ का पर्दा फाश कर दी। कैमरा टीम के साथ मीर अफजल गुलजार, DMM न्यूज मानसरा।